नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिल्मी अपडेट्स में। सो गाइज, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ द फैमिली मैन के सीजन 3 के रिलीज डेट और अपडेट के बारे में। यहाँ पे आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे, काफी दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, इसके पीछे का जो रीजन था वो ये था कि मेरी तबीयत जो है वो काफी ज्यादा खराब हो गया था, जिसके कारण लिटरली मेरे को मन नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का। पर आई होप अब आप लोगों को डेली वीडियो देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मेरा जो तबीयत है वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को द फैमिली मैन के सीजन 3 के रिलीज डेट के बारे में बताने वाला हूं। तो उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल फिल्म अपडेट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। और अगर आप लोग किसी भी मूवी या फिर वेब सीरीज को फ्री में देखना चाहते हो या फिर उसके लेटेस्ट अपडेट को जानना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो द फैमिली मैन के सीजन 3 का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, द फैमिली मैन एक क्राइम थ्रिलर सीरीज था, जिसके अंदर हम सभी को लीडिंग स्टार कास्ट में मनोज बाजपेयी सर देखने को मिले थे। और ये सीरीज हम सभी को OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो के अंदर देखने को मिला था। वैसे तो अभी तक हम लोगों ने इसका सीजन 1 और सीजन 2 देखा है। दोनों सीजन लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया था, जिसके कारण लोग काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इसके सीजन 3 का। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था, इसके सीजन 2 के एंड में जो श्रीलंकन टेररिस्ट आए हुए थे इंडिया में, उन लोगों को मार दिया जाता है। उसके बाद इसके सीजन 2 का कहानी वहीं पे खत्म कर दिया जाता है। मतलब कि दोस्तों, सीजन 2 का जहां पे एंड किया गया था, उसके बाद का कहानी को हम सभी को सीजन 3 में देखने को मिलने वाला है। अब अगर बात करें द फैमिली मैन के सीजन 3 के रिलीज डेट की, तो मैं आप सभी को बता दूं, इसके रिलीज डेट से जुड़ी काफी बुरी अपडेट निकल के आया है। जी हां दोस्तों, अब हम लोगों को द फैमिली मैन का सीजन 3 अगले साल यानी कि 2023 में देखने को नहीं मिलने वाला है। और इसके पीछे का रीजन क्या है वो मैं आप सभी को वीडियो के आगे बताने वाला हूं। तो उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक भी कर लें। आप सभी को बता दो, इस फिल्म का जो डायरेक्टर है वो राज एंड डीके सर है। तो राज एंड डीके सर एक नए सीरीज को लेके आ रहे हैं Amazon प्राइम वीडियो के अंदर, जिसके लीडिंग स्टार कास्ट में हमें वरुण धवन देखने को मिलेंगे। और इसका जो शूटिंग है वो स्टार्ट होने वाला है वरुण धवन के आने वाले फिल्म भेड़िए के रिलीज डेट के बाद। और इसका जो शूटिंग है वो लगभग कंटिन्यू 4 से 5 महीने तक चलने वाला है, और उस शो को 2023 के एंड में रिलीज कर दिया जाएगा। इसी कारण से राज एंड डीके सर द फैमिली मैन के सीजन 3 के शूटिंग को स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। पर फिलहाल अभी द फैमिली मैन के सीजन 3 का जो स्क्रिप्टिंग का वर्क है वो पूरी जोरों शोरों से चल रही है। अब अगर बात करें आखिरकार कब तक हम सभी को द फैमिली मैन का सीजन 3 देखने को मिलेगा, तो मैं आप सभी को बता दूं, द फैमिली मैन का सीजन 3 हम सभी को अब अगले साल नहीं बल्कि 2024 में देखने को मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, अब हम लोग को द फैमिली मैन का सीजन 3 2024 में देखने को मिलने वाला है। बाकी मैं तो इस अपडेट को सुनने के बाद थोड़ा सा निराश हो गया था, क्योंकि मैं काफी एक्साइटेड था इसके सीजन 3 को देखने के लिए। आप लोग कितना एक्साइटेड थे इसके सीजन 3 को देखने के लिए कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि वेब सीरीज से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट्स आप सभी को मिलती रहे।